एक्शन ही मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस. हमें क्या करना है, वर्ब्स. इट मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ड्स को, डूइंग वर्ड्स को क्या कहा गया है, वर्ब कहा गया है. सो एक एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया गया है कि मंकी की क्या एक्शन है, हमें यहाँ पर करना क्या है. एनिमल के एक्शंस दिए गए हैं, एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, हर एक एनिमल के एक्शन को हमें मैच करना है. ओके, एक एग्जांपल हमें दिया गया है मंकी. मंकी की एक्शन है स्विम. ओके, नेक्स्ट इज डक. डक की क्या एक्शन है, स्विम. डक स्विम मीन्स ये डक के लिए क्या है, डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है. रैबिट्स हॉप, हॉर्सेस ग्लो, फ्रॉग्स लिप, स्नेक्स क्राउड, बर्ड्स फ्लाई, बटरफ्लाई फ्लटर. इट मीन्स ये क्या है, ये एनिमल्स के नेम हैं एंड ये उनकी एक्शन है. ओके, ये एनिमल्स एंड उनके एक्शन मीन्स वर्ब हम कह सकते हैं. एक्शन वर्ड्स को क्या कहा गया है, वर्ब्स. नेक्स्ट सर्कल करता है वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, जो करेक्ट वर्ब है, करेक्ट डूइंग वर्ड है, उसे सर्कल करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है अ डक क्वैक्स. ये इसकी क्या है, एक्शन है, मीन्स डूइंग वर्ड है, अ डक क्वैक्स. नेक्स्ट इज अ बी, ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ड इज मूव्स फ्रॉग्स. सो करेक्ट आंसर इज बजेस. अभी बजेस. थर्ड वन अ बर्ड स्क्विक्स, स्क्विक्स नीड्स चर्प्स. सो अ बर्ड चर्प्स. फोर्थ अ शीप, व्हाट इज करेक्ट, ब्लीट ब्लीट्स. अ शीप ब्लीट्स. Fifth one, an owl. What is correct answer here? Hoots. An owl hoots. So circle here. हमें यहाँ पर क्या करना है? Verbs को circle करना है. Then last one, a frog. Croaks. So circle this word. Next one, rearrange the letters in the brackets to make verbs. Fill in the ब्लैंक्स. यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं. कैसे कंप्लीट करने हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं जंबल करके, हमें इन्हें रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है और यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. एक एग्जाम्पल देखिए, हमें दिया गया है आई कैन टॉक टू माई फ्रेंड्स. यहाँ पर कुछ लेटर्स ऐसे दिए गए हैं जंबल करके दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, रीअरेंज करके L A K T इसका क्या वर्ड प्रिपेयर हुआ है, टॉक. आई कैन टॉक माई टू माई फ्रेंड. नेक्स्ट सेकेंड, आई कैन थ्रो अ बॉल. जैसे कि यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं जो कि जंबल करके दिए गए हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है. ये सब क्या है, वर्ब्स है. ओके, इन्हें हमें रीअरेंज करने के बाद क्या मिल रहे हैं, वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स मिल रहे हैं. ओके, आई कैन थ्रो a ball, I can hear the bell ring. इस letters को rearrange करने के बाद ये word हमें मिला है hear. I can, next word, I can jump very high. ये जो letters है इसे arrange करने के बाद हमें कौन सा verb मिला है, jump. I can jump very high. Next one, I can dance to music. इस लेटर्स को हमने रीअरेंज करने के बाद हमें कौन सा वर्ब मिला है, डांस. आई कैन डांस टू म्यूजिक. नेक्स्ट वर्ड, आई कैन रीड अ स्टोरी बुक. इस लेटर्स को हमने क्या किया है, रीअरेंज किया है. नेक्स्ट वर्ड, आई कैन स्मेल. कौन सा वर्ब है यहाँ पर, स्मेल. आई कैन स्मेल अ फ्लावर. नेक्स्ट, आई कैन ईट एन एप्पल. यहाँ पर इस वर्ड्स, इस इन लेटर्स को कंप्लीट रीअरेंज करने के बाद
बाद हमें क्या मिले हैं वर्ब्स जो कि हमने यहाँ पर राइट करके मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा तैयार हुआ है. ओके नेक्स्ट इज रीड दिस सेंटेंसेस. देखिए फर्स्ट रीड करके देन देखते हैं वन एंड मेनी. आई सी ये क्या है, सिर्फ मैं अकेली हूँ. ओके आई सी वन पर्सन है यहाँ पर. देन जब मेनी पर्सन आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वी यू. यू ये एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और बहुत सारे पर्सन अगर हो तो भी क्या हम यूज करते हैं, यू वी यू एंड दे. ये कब यूज करते हैं, जो वन से ज्यादा अगर पर्सन होते हैं तो मेनी मीन्स यहाँ पर ये वर्ड्स हम ये जो नाउंस कह सकते हैं हम इन्हें यूज करते हैं, वी यू एंड दे. एंड अगर सिंगल पर्सन है इट मीन्स वन में जो आते हैं जो सिंगल पर्सन है आई यू, जैसे कि मैंने कहा है आई यू जो है ये वन पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा अगर है तो भी हम क्या यूज करते हैं, यू. बिकॉज ये रिस्पेक्टफुली भी हम इसे बोल सकते हैं यूज करते. देन ही शी इट, अगर कोई वन बॉय है वन गर्ल है तो उसके लिए भी ही शी इट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं वन पर्सन के लिए. एंड वन मैन मोर होते हैं तो मेनी वी यू